Hello, what's up guys? मैं इन नॉन्ग आज एक और वीडियो के साथ हाउ टू ड्रो नोज फुल एपिसोड वीडियो लेके आया हूँ। सो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड पे गोल गोल राउंड बना लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए मेरी तरह। तो आप अभी बीच में दोनों साइड में जितना बड़ा बनाया है उसका थोड़ा सा बड़ा उसके जैसे ही, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। सो मेरी तरह बनाइए। और नाक का अंदर का जो हिस्सा आप इस तरह से लाइन जैसा ओप कीजिए। आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं होने से भी हो जाएगा, तो 2B या SB का पेंसिल यूज़ कीजिए। इसको आप जितना हो सके उतना हल्के से पेंसिल को ऑफ कीजिए। ज़्यादा प्रेशर देने से आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, तो आप जितना हो सके उतना हल्का कीजिए। इस तरह आप लाइन अप करने के बाद आप जितना भी उसका डार्क एरिया है उसको अच्छे से पेंसिल से अप कर लीजिए, मेरी तरह कीजिए। सो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये नाक का जितना भी डार्क एरिया होगा आप SB या 2B पेंसिल से इसे मेरी तरह जो मैं अभी कर रहा हूँ तो उस तरह से ही आप भी कीजिएगा। जितने भी डार्क एरिया होगा वहाँ पे आप अच्छी तरह से डार्क एरिया को ऑफ कीजिएगा, तो आपका ड्राइंग अच्छा से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह स्टार्ट कीजिएगा। आप लोग जितना सोच रहे हो उतना भी हार्ड नहीं है। सो आप मेरी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप भी जरूर स्टार्ट कीजिएगा इसी तरह से। सो आपको भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी डार्क एरिया है वहाँ पे मैं अभी पेंसिल को अच्छे से स्मर्श करके डार्क एरिया को अच्छी तरह से बना रहा हूँ। तो आप भी अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिएगा किस तरह से मैं बना रही हूँ अभी। और एक बात, आपको आर्ट सीखने के लिए आपको कोई महंगी पेंसिल या कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपको बस बनाने के लिए आपका जज्बा चाहिए। सो आप 2B पे आर्ट लाइन का 2B पेंसिल होगा, आपका अप्सरा का भी मिलेगा, आपको सस्ती पेंसिल मिल जाएगा बाज़ार में। सो आप मार्केट से ज़रूर लेके आइए और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। मैं इसी तरह इसे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो आप अच्छे से देखिए, समझिए
किस तरह मैं बना रहा हूँ। सो आपको सीखने में इजी होगा। तो अब मैं ब्लेंडिंग पेंसिल स्टम या ब्रश से इसे ही करता हूँ। सो टिश्यू पेपर से भी मैं करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे ही कर सकते हो। सो मुझे ब्रश से भी अच्छा लगता है, ब्लेंडिंग पेपर स्टम से भी अच्छा लगता है। सो टिश्यू पेपर से भी मैं करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्रश से इसे डार्क एरिया और ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सो अभी ब्रश से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ब्रश यूज़ करने में रिजल्ट को थोड़ा स्मूथ मिलता है। सो अभी इस तरह ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ये भी परस्ता में मैं सभी को पेपर स्टम्प ब्रश, कॉटन क्लॉथ या टिश्यू पेपर मैं सब यूज़ कर चुका हूँ। सो अपना सो इसी तरह अपना आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा ज़रूर, आप ट्राई कीजिएगा, आपको कौन सा कंफर्टेबल होगा आपके लिए वो आप ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा से इसके ऊपर काम कीजिएगा। आपको आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो इसका भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह से आपको ब्लैक एरिया को अप करना है। पेंसिल स्केच में आपको डार्क एरिया को कैसे ऑप्ट करता है और उसको रियलिस्टिक से हाइपर रियलिस्टिक में कैसे आपको लेके जाना पड़ता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। सो आप इसके ऊपर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। ये मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। सो नीडेड इरेजर आपको हाईलाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा नीडेड इरेजर पेंसिल इरेजर। सो आप पेंसिल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं। नीडेड इरेजर होने से आप जिस तरह उसको मोड़ना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होता है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी ये नीडेड इरेजर है। सो आप लोग पेंसिल इरेजर जैसे कि टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सकता है हो सो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो प्लीज़ आप चेक कीजिएगा ज़रूर। देखिए अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया। रिजल्ट आने का मतलब वो नहीं कि आप सेम टू सेम वही बनाना है। सो
सो आप भी देख सकते हैं अभी रिजल्ट आ गया है। सो इसी तरह से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाया जाता है वो इस वीडियो पे आप अच्छी तरह से देख के स्टार्ट कर सकते हो। सो नाक के जो अंदर का हिस्सा है जो ब्लैक मैं अभी ऑप्ट कर रहा हूँ, वो आप 6B या 4B से यूज 4B से इस तरह बना सकते हैं। सो आप जरूर 4B या 6B को यूज़ करें इसे डार्क एरिया के लिए। सो ये देखिए अभी रिजल्ट आ गया है। सो आपको इस तरह से बनाना होगा, बना सकते हैं। सो आप भी बनाइए ज़रूर, मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपके लिए जरूर लाता रहूँगा। सो प्लीज़ जो सब्सक्राइब दिस चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, इसी तरह मैं वीडियो इसी तरह आर्ट का रिलेटेड वीडियो में लाता रहूँगा। सो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरह से आप हाइपर रियलिस्टिक में भी जा सकते हैं। सो हाइपर रियलिस्टिक के लिए आपको पेपर स्मूथ होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर जो भी डाउट हो, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ये आपको जितना भी डार्क एरिया है वो ऑप्ट करना पड़ेगा इस तरह से। सो उसका आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लुक निकल के आ गया है अभी। सो इस तरह से बनाना पड़ेगा, आप भी बनाइएगा ज़रूर, स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से जितने भी हो सकता है मैं 100% आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो के ज़रिए जितना हो सके उतना देने को कोशिश कर मेरी तरफ से जितना हो सके उतना इसी तरह रिलेटेड आर्ट्स का रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। सो आप लोगों को जितना हो सके उतना वीडियो के ज़रिए सिखाना बोले या कुछ और। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।